कोई बात नहीं, और एक साल और तंग रह लो, कोई बात फिर करवा दीजिए। सब लोगों के लिए जो ये पोर्टल की बीमारी लाई है जी, कोई भी चीज हो वो ये पोर्टल सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा तो ये निकालो ना जी। हाँ पोर्टल जी, वो उदयवान जी पहुँचे हैं करनाल के जेबीबी में और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज करनाल पहुँचे हैं जेबीबी ग्रैंड सोसाइटी में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद करूँगा, एक तो कर्नाटक की जीत के लिए सभी को बधाई हमने प्रेषित की है, और साथ ही जो कर्नाटक की जीत के बाद जो लोगों के अंदर बहुत भारी जोश और उत्साह जो देखने को मिल रहा है, सभी लोगों से हमने आह्वान किया है कि सरकार को खाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर के जो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनको जन जन तक पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब करें। जो आज प्रदेश में हो रहा है, आज प्रदेश के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ पर कई 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था का है, MSME सारी बंद कर दी, जो ये नोटबंदी की थी 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, हमारे लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, लगभग 12 करोड़ लोगों का रोज़गार छिना, जिसकी कह रहे थे कि भाई आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, इसमें ये नकली नोट ख़त्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वो सारे जुमले निकले। उदयवान जी, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद की जगह विवाद की स्थितियाँ पैदा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जनसंवाद कहाँ है जी, वो तो लोगों को अपमान करने में लगे हुए हैं। जो कोई उनके समक्ष अपनी कोई बात रखता है तो उसको जो है ना शालीनता से सुनने के बजाय अपने पुलिस को आदेश देते हैं कि इसको जूते मारो, इसको बाहर निकालो यहाँ से, ये विपक्ष के भेजे हुए आदमी हैं। जो जनसंवाद किस बात का, जब आम जन से मिल ही नहीं सकते, पहले तो स्क्रूटनी करके वो पुलिस वाले प्रशासन वाले ही भेजते हैं, कि जब उनको वही लोग भेजे जाते हैं जो उनकी महिमा का गुणगान करें, और जो कोई सवाल पूछता है तो उसको धमकाया जाता है, यहाँ तक भी महिलाओं व हमारी सरपंच उनको भी नहीं बख्शा, उनको अपना जो दुपट्टा तक भी डालना पड़ा, महिलाओं को भी उन्होंने धुतकार करके स्टेज से मंच से नीचे उतार दिया। कर्नाटक में बहुमत की सरकार आई है, हरियाणा में 2024 का क्या चेहरा देखते हैं, किस तरीके से रहेगा? हरियाणा में इनका नारा तो 75 पार का झूठा था, लेकिन हम उस 75 पार के नारे को हम कार्यान्वित करवाएंगे।